दिन दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं PR के अनबॉक्सिंग। रास्ते कैसे भी हों यार, मंजिल तो चलने से ही मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरह एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यार भर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइड में बेल आइकन दिख रहा है, उसे प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेलवे जल्द शुरू करेगी नई स्पेशल ट्रेन। किस रूट पर चलाई जा सकती है नई ट्रेन पढ़े। दोस्तों, जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेन चलने का फैसला ले सकती है रेल मंत्रालय। इसमें से संबंधित प्रग्राम मंत्रालय ने को भेज दिया गया है। इन ट्रेनों को चलने की योजना बनाई जा रही है। योजना के तहत हर ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्कैनिंग की तैयारी जैसे मुद्दे पर गंभीरता से सोचा जा रहा है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों की ओर से इन अंतरिक्त विशेषकर ट्रेनों के स्टॉपेज या किराए फेर को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। यात्रियों को 90 मिनट पहले पहुँचना होगा स्टेशन पर। रेलवे इन नई विशिष्ट ट्रेनों की बोगियों में नियमित सैनिटाइजेशन पर खास जोर देगी। यात्रियों को ट्रेन छूटने के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि सफर करने वाले हर व्यक्ति की कायदे से स्कैनिंग की जा सके। इन विशेष ट्रेनों के लिए 120 दिन पहले से ही टिकट बुकिंग होगी शुरू हो जाएगी। वहीं जरूरत होने पर यात्रियों को तत्काल कोटे में भी टिकट बुक कर पाएंगे। किस रूट पर चलाई जाएगी नई ट्रेन। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को दिल्ली से शुरू होने वाली कई स्पेशल ट्रेनों की अनुमति मांगी है। इनमें नई दिल्ली से अमृतसर, चंडीगढ़ पुरानी दिल्ली से फिरोजाबाद, सराय रोहिल से पोरबंदर, दिल्ली से भागलपुर, गाजीपुर की ट्रेन शामिल है। वहीं जोधपुर, कामाख्या व गोरखपुर से दिल्ली, डिब्रूगढ़, इंदौर, हबीबगंज व लखनऊ से नई दिल्ली, मुजफ्फरपुर व मथुरा पुरानी दिल्ली की स्पेशल ट्रेन भी शुरू करने की मंजूरी मांगी गई है। इसके अलावा दिल्ली से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों की सूची भी गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। इनमें कोटा से देहरादून और फिर नंदी देवी तक, डिब्रूगढ़ से अमृतसर, डिब्रूगढ़ से लालगढ़, मुजफ्फरपुर से पोरबंदर, यदुवंशपुर से बीकानेर की विशेष ट्रेन शामिल है। बता दें कि इस समय भारतीय रेलवे 203 स्पेशल ट्रेन चला रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे और भी स्पेशल ट्रेन चलाने के बारे में सोच रही है। इसके बारे में कोई जैसे भी अपडेट नया निकल कर या लिस्ट निकल कर आती, मैं सबसे पहले आपको दूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई आपको डाउट होता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।